गुड मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 11 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर पानी में हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ उसमें अलग चीज़ गंदगी डाल देते हैं तो वाटर पॉल्यूटेड होता है, उसी को वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। इट ऑक्यूर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स केमिकल्स और सब्सटेंस दैट कॉन्टेमिनेट वाटर आर डिस्चार्ज इन टू वाटर बॉडीज। उसमें जो अनवांटेड चीज़ डाल दी जाती है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। ऐसे काउज क्या क्या हो देखेंगे, काउजेज हैं। स्वेग एंड वेस्ट वाटर आर डम्प्ड इन टू सी और रिवर विदाउट बींग ट्रीटेड। जो वेस्ट पानी है, गंदा पानी नदी या समुद्र में डाल दिया जाता है तो वो पानी उससे पॉल्यूटेड हो जाता है। द रविसेस पेपर वेस्ट फूड वेस्ट प्लास्टिक रबर मेटेलिक एंड एल्यूमिनियम वेस्ट आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर लेक्स एंड सी। इस टाइप्स के वेस्ट जो होते हैं, पेपर का वेस्ट है, फूड वेस्ट है, प्लास्टिक रबर या किसी भी तरह का मेटेलिक वेस्ट है, तो उसको अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड अप्लाइड टू सॉइल रीच द ग्राउंड वाटर विथ रेन वाटर। खेती करने के समय जो किसान पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड डालते हैं फसलों को बचाने के लिए, वो भी पानी के साथ रेन वाटर के साथ मिलकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, चला जाता है और वो उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। ऑयल सिपलेज ड्यू टू एक्सीडेंट्स ऑफ सिप स्प्रेड फ्रॉम माइल्स इन द ओशंस। पानी में जब सिप्स आते हैं, अगर उसमें तेल वगैरह जो अगर उसमें आता है तो वो अगर पानी में चला जाता है किसी भी कारण से तो उसे समुद्र का पानी भी प्रदूषित होता है। अब इफेक्ट देखेंगे क्या क्या होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं पानी में रहने वाले जीव जंतु वो मरने लगते हैं, जैसे फिश क्रैब बर्ड्स एंड सी गोल्स डॉल्फिन एक्सेट्रा। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस सच एज कॉलरा टाइफाइड जॉन्ड्रिस गैस्ट्रिक्स, ये सब जो डिजीज़ है वो भी पानी के कारण ही होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, और हमारा इकोसिस्टम जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसको बचाने का क्या क्या उपाय किया जा सकता है, प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग कुछ ये सब कुछ काम है जो दिया गया उसको करना चाहिए। अपग्रेड आउट ऑफ डेट और अंडर कैपेसिटी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, ट्रीट वेस्ट वाटर कम्प्लीटली बिफोर रिलीजिंग इन टू वाटर बॉडीज, कीप द कैटल अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज पॉन्ड एंड रिवर, नेवर थ्रो रबिश इन टू वाटर। तो हम लोगों को वाटर पॉल्यूशन को बचाने के लिए उसमें गंदी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। अगर पानी उसमें डाला जाता है कोई भी वेस्ट का, तो उसको पहले ट्रीट करके उसको साफ करके तब उसमें डालना चाहिए। वाटर बॉडीज़ में किसी भी तरह का गंदगी वेस्ट जैसे होता है उसको नहीं डालना चाहिए। तो ये इन सभी के द्वारा पानी को हम लोग प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।